अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की क्रूर हत्या को लेकर लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वारदात के खिलाफ और आरोपियों को सजा देने की मांग के लिए लोगों ने यूपी के अलग अलग शहरों में कैंडल मार्च निकाले। अलीगढ़, बुलंदशहर, महराजगंज और बलरामपुर में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जबकि हिंदू सभा ने मशाल जुलूस निकालकर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कल मुख्य आरोपी जाहिद के भाई और पत्नी को गिरफ्तार किया, जबकि जाहिद और असलम पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जाहिद है, असलम है, जाहिद का भाई मेहंदी हसन है और जाहिद की वाइफ जो शाइस्ता है वो है। सर, इसमें जो कि ये है शाइस्ता, इसका क्या रोल है सर? इनका बेसिकली, इनको संज्ञान में आया था जब बॉडी डिस्पोजल के लिए थे, तब ये और मेहंदी हसन की इनको जरूरत पड़ी थी और सुबह जाकर के जब बॉडी डंप की। यूपी महिला आयोग की 6 सदस्यों की टीम ने भी कल सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के डीजीपी से मुलाकात की और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक तो हम मांग करेंगे इसकी जल्दी से मांग हो, जल्दी से इसको न्याय मिले, बच्चे को सबूत मिल जाए कि भाई हाँ ये है पक्का, इसने ही किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें देर करने की जरूरत है, तुरंत फांसी इसको होनी चाहिए। वहीं उल्लेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि जब तक गुनाहगारों को सजा न मिल जाए, हम और पूरा देश अपने आप को माफ नहीं कर सकते। अलीगढ़ में मासूम के साथ जो वाकया पेश आया है, हम उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हम और पूरा देश उस मासूम परिवार के साथ खड़ा है और हम मांग करते हैं हुकूमत से कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अलीगढ़ बार एसोसिएशन ने भी फैसला किया है कि कोई भी वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। अलीगढ़ का अधिवक्ता समाज इस न्याय की लड़ाई में उस बच्ची के परिवार के साथ है और कोई भी अधिवक्ता किसी भी तरह से उन दुष्कर्मियों के साथ खड़ा नहीं होगा, उनके खिलाफ उनके पक्ष में कोई पैरवी नहीं करेगा। अगर कोई बाहर से अधिवक्ता आता है तो हम उसको भी पैरवी नहीं करने देंगे। 2.5 साल की गुड़िया की क्रूर हत्या मामले में कुछ और चौंकाने वाले और दर्दनाक खुलासे सामने आए हैं। मामले की जांच कर रही SIT ने मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि बच्ची के शव को आरोपियों ने पहले फ्रीज या नमी वाली जगह पर रखा था, बाद में उसे फेंक दिया था।